6,000 रुपये का। और ये जो इस तरह जॉइंट होगा ये दिखा रहा पूरा, हाँ ये 4-5 जो है ना ये तो मिल जाएगा तुम्हें, ये तो और जगह भी मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं सदर, जो गोप्रो की एसेसरीज लेनी है वो लेने के लिए जा रहे हैं, और हेलमेट भी ले लेंगे, मगर हेलमेट इतना महंगा अभी ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 हज़ार का कोई मिल जाए जो काम चलाना है वही लेंगे। अगर टाइम मिला तो सदर जाएंगे, वरना फिर गोप्रो की एसेसरीज लेके घर पे आ जाएंगे, फिर हेलमेट एक दिन के बाद लेने जाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। अच्छा जी जनाब, ये जो है हम लोग कैमरे की मार्केट में आ गए हैं। ये रीगल चौक, रीगल लिखा हुआ है, और सामने कैमरे की मार्केट है। यहाँ पे बाइक पार्किंग नहीं थी तो वहाँ पे जानी पड़ी बाइक पार्किंग के लिए। अब देखते हैं कहाँ मिलता है गोप्रो का सामान। भाई जो 2 दिन दुकानें घूमे, जो चीज़ चाहिए ना वो मिल नहीं रही है जगह पे। तो हम देखो जिस किसी और के पास आए, अगर उनके पास मिलती तो ठीक है। यार आपके पास ये चीज़ मिलेगी क्या? ये गोप्रो में लगता है 2-3 जो है ना वो फिर क्या करता है, पुर्जे बन के हेलमेट का माउंट बन जाता है। हेलमेट का माउंट मेरे पास बाइक वाला माउंट है, कोई सा भी नहीं है। मामू हेलमेट माउंट का अलग से, अलग से हेलमेट माउंट है, अलग से हेलमेट माउंट मिल जाएगा। ये दिखा रहा पूरा, हाँ ये 4-5 जो है ना ये तो मिल जाएगा तुम्हें, ये तो और जगह भी मिल रहा है। नहीं उसमें नहीं है ये, वो ना जो सूटकेस होता है उसमें नहीं है ये, उसमें सिर्फ 3 निकल रहे बाकी के नहीं है। घूम रहा हूँ पूरी मार्केट में, घूम रहा हूँ ये चीज नहीं नहीं पूछा वाला, दूसरा तो मिल जाता है वो तो सर, वो तो आप ज्यादा बोलो ये पूछो शायद उसके पास हो। एक तो मंगाए थे, कौन है की दुकान है, क्या नाम है? अजगर, नाम है अजगर। अजगर के पास जा रहे हैं, चाहिए ना आपको ग्रिप पूरी चाहिए, ग्रिप चाहिए। ये तो पूरे नीचे का तो मिल जाएगा आपको, नीचे का तो हर जगह मिल रहा है, ऊपर की कैसिंग भी चाहिए। आपके पास क्या क्या है तो बताओ। कैसिंग नहीं मिल रहा, चलो कैसिंग छोड़ो, ये कैसिंग छोड़ दो। हाँ ये केसिंग सही सही सही, वो भी होंगे सारा कुछ ठीक ठीक। मिल गया भाई हमारी चीज़, हमको मिल गई। ये इस तरह जॉइंट होगा, ये मेरे ख्याल से इस तरह होगा, बस मेरे को पता नहीं है किस तरह होगा, मगर अच्छी क्वालिटी की चाहिए, क्योंकि बताऊँ क्या होगा, झटके लगते हैं ना जब बाइक पे झटके लगते हैं, लगाओ वो गिर जाता है। हेलमेट पे लगाऊंगा, वही ले लूँ फिर हेलमेट के लिए। अच्छी चीज़ दो ना, गोप्रो की मैंने मंगाई थी, बोलो झटका क्या कुछ भी लगे कुछ नहीं होगा। ये देखो काफ़ी तस्वीरें मेरे पास, हाँ ये तो नहीं बोल रहे हैं, ये ओरिजिनल मेरे पास, ये तो प्लास्टिक वाला है मेरे पास, ये ना इसका जेनियन है वो वाला एलुमिनियम। इसमें ऐसा नहीं होगा, चलो मैं ये ले तो लेता हूँ ठीक है, इसमें फिर ऐसा नहीं होगा शीशा पूरा बंद नहीं होगा। इसके साथ मैं आपको वो दूंगा जिससे आप ऊपर नीचे का स्तर हो गए, बताओ मेरे को फिर हेलमेट मैं आपको एलुमिनियम वाला दे दूंगा, ना डैमेज होगा ना कुछ होगा। भाई ये एक चीज़ दिख नज़र आ रही है, तो फिर इससे पूरा व्यू आएगा बाइक का, जैसे हैंडल वगैरह पूरा। जितने भी बाइकर हैं सभी यूज़ करते होंगे। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने नायलॉन मंगाया है, ये टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा आपका, लाइफ टाइम है लाइफ टाइम तो इंसान नहीं चल सकता। अच्छा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा, और ये एक बार फिट हो जाएगा बस। नहीं बार बार फिट करो, ये आपका लॉक हो गया, ये लॉक हो गया बिल्कुल, एक जगह कहीं नहीं जाता। अच्छा अब आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी चाहे, वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेंगे तो इससे ये। इसको भी अपने पास रखो ठीक है, कैमरा लेके जाता हूँ, हेलमेट लाता हूँ, फिर हेलमेट में ना फिक्स करके एक बार वो हो जाएगा ना क्या कहते हैं कंफर्म, तो फिर ठीक है। अच्छा ये इसके कोई प्राइस मुनासिब होंगे? 2,000 बस, उससे कम नहीं होंगे। यार उस दिन भी जो है ना यही मसला आ रहा था कि हेलमेट लेने गए थे मगर माउंट नहीं था, आज माउंट लेने गए तो हेलमेट नहीं है। अकबर रोड से हेलमेट लेंगे, उसके बाद वापस यहाँ पे आएंगे और जो माउंट है वो लगा के चेक करेंगे कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, या फिर जो हमें जो चीज़ के लिए चाहिए वो चीज़ के लिए काम आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो पहले हेलमेट लेते हैं, क्योंकि हेलमेट के ना आगे से शार्पनेस होती है, तो उस वजह से हर माउंट आगे लग नहीं सकता है। अच्छा मैं अभी 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर भी बिना को 30 रुपये देने पड़ेंगे। नहीं अल्लाह ना करे, वापसी नहीं लेंगे, वापसी नहीं लेंगे ना ठीक है, ठीक है ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाली वो वाली नहीं नहीं ये वाली। अस्सलाम वालेकुम बॉस, 7,000 रुपये का। ये कौन सी कंपनी है? 6,000 का ये पड़ेगा। यार नमाज का टाइम हो गया था तो नमाज पढ़ ली हमने, अब जा रहे हैं हेलमेट वाले के पास। हेलमेट वाले के पास ही थे तो नमाज पढ़ने आ गए थे, और उसके बाद जाएंगे GoPro के माउंट वाले के पास। अच्छा इनके पास जो हेलमेट की प्राइस है ना वो थोड़ी मुनासिब लग रही है, जो मैंने जो मेरे को लेना है वो तकरीबन 6,500 इन्होंने फाइनल किए हैं, और भी अगर कम कर सकते तो ठीक है, 6 या 5 कर दे बोल के देखेंगे कितना करते हैं कम। ये कुछ और मुनासिब नहीं हो सकते? ये तुमने जब बोला ना, हम बोलते हैं ब्लॉगर को तो ताकि वो और भी कंसर्न करते हैं, हम उनको वो रेट देते हैं कि बस भाग लिया है, पर उनको 7,000 है। अच्छा 6 नहीं हो जाएंगे? ये 6.5 भी मैंने आपने जब बोला ना ब्लॉगिंग करनी है, मैंने फौरन आपको ऑफर दी, ये घर से मत प्रेफर करते यार, वहाँ चले जाओ। हाँ ये तो मुनासिब रेट है काफी। चिक पैड कितने की बन जाती है अगर कोई कस्टम बनवाए तो? चिक पैड मेरे 500। अच्छा इतने की बन जाती है चिक पैड। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये हेलमेट ले लिया है, अब वापस से सदर कैमरे मार्केट के अंदर आए हुए हैं। अब ये जो माउंट लेना था वो यहाँ से इंशाल्लाह मिल जाएगा माउंट, और ये लेने का मकसद पहले ये था कि लगा के चेक कर लिया जाए कि कैसा उस पर माउंट फिक्स आता है भी नहीं आता, बस ये डर है कि अगर ये लगेगा ना तो ये हिले ना पूरा। थोड़ा सा खुला रह रहा है अभी शीशा, ठीक है, और ये जैसे कि हवा के जोर से यूं नहीं भाई, बिल्कुल लॉक हो जाएगा ना ये हवा से जोर से। लॉक करें इसको, लगाएं, लगा दे ऐसे कुछ मुनासिब तो करें यार। अच्छा भाई हेलमेट आ गया 6,500 रुपये का, और ये जो क्लिप है ये क्लिप आ गया है 2,000 का, ठीक है, इसको ऑन करते जाएंगे GoPro को, ठीक है भाई। ये हेलमेट आ गया है और ये कैमरा, और ये इस चीज़ के लिए जो है ना बहुत मुश्किल पेश आई है इस चीज़ के लिए, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं घर पे। जी ना जनाब, ये मैंने दूसरे दिन का शॉट लिया है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हंजला ND28 को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। अल्लाह हाफिज़।